पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने 41 दिनों तक चली हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये हड़ताल 9 अगस्त को आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दर्दनाक घटना के बाद शुरू हुई थी। डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध के रूप में ये हड़ताल शुरू की थी और 10 सितंबर से जारी ये हड़ताल अब खत्म कर रहे हैं। हड़ताल खत्म करने से पहले डॉक्टर कोलकाता के स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय तक एक मार्च करेंगे, जिसके बाद शनिवार 21 सितंबर से डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी साफ कर दिया है कि हड़ताल पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वे अभी भी इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को जारी रखेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, लेकिन ओपीडी और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर की सेवाओं में वो हिस्सा नहीं लेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बंगाल सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है और यदि इस अवधि में सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं करती है तो वो फिर से हड़ताल शुरू करने पर विचार करेंगे।